इंग्लिश ग्रेड टू यूनिट वन आ टाइनी क्रीचर एक छोटी मखलूक पेज टू गेटिंग स्टार्टेड लुक एट द पिक्चर बिलो नीचे दी हुई तस्वीर को देखें आसिम इज़ वेरी हैप्पी टू सी कलरफुल फ्लावर्स अ ब्राइट शाइनी सन अ क्लियर ब्लू स्काई एंड बटरफ्लाइज आसिम रंग बिरंगे फूलों चमकते हुए सूरज साफ नीले आसमान और तितलियों को देखकर बहुत खुश है ही इज़ थैंकिंग अल्लाह फॉर ऑल दीज थिंग्स वो इन तमाम चीज़ों के लिए अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर रहा है लेट्स टॉक डू यू सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड यू दैट अल्लाह हैज़ मेड फॉर अस क्या आप अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हैं नेम अ फ्यू ऑफ देम उनमें से चंद के नाम बताएं यस आई कैन सी मैनी थिंग्स दैट अल्लाह हैज़ मेड फॉर अस लाइक ट्रीज प्लांट्स सन फ्लावर्स बर्ड्स मून स्टार्स एट्सेट्रा डू यू थैंक अल्लाह फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग्स हाउ क्या आप अल्लाह ताला का उसकी तमाम नेमतों पर शुक्रिया अदा करते हैं कैसे यस आई थैंक अल्लाह बाय ऑफरिंग प्रेयर्स जी हाँ मैं अल्लाह का नमाज पढ़कर शुक्रिया अदा करती हूँ या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं आई थैंक अल्लाह बाय वर्शिपिंग हिम मैं अल्लाह की इबादत करके उसका शुक्रिया अदा करती हूँ पेज थ्री द क्रिकेट अब ये एक इंसेक्ट है जिसका नाम क्रिकेट है उसके बारे में ये पोएम है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड डिस्क्राइब द इंसेक्ट दी हुई तस्वीर को देखें और इस इंसेक्ट के बारे में बताएं इट इज़ अ क्रिकेट ये एक क्रिकेट है इट्स कलर इज़ ग्रीन इसका रंग सबस है इट इज़ नॉट हार्मफुल ये नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है डज इट लुक फ्रेंडली और डेंजरस हैव यू एवर सीन इट ये दोस्ताना नज़र आता है या ख़तरनाक क्या आपने कभी इसे देखा है इट लुक्स फ्रेंडली ये फ्रेंडली है येस आई हैव सीन इट इन माई गार्डन जी हाँ मैंने इसे अपने बाग में देखा है अब हम इस लेसन की ट्रांसलेशन करेंगे वैसे तो ये एक पोएम है इसकी ट्रांसलेशन एग्जाम में नहीं आती लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको करेंगे एंड व्हेन द रेन हैड गॉन अवे और जब बारिश रुक गई एंड सन वॉज शाइनिंग एवरीवेयर और सूरज हर तरफ चमक रहा था आई रैन आउट ऑन द वॉक टू प्ले मैं बाहर खेलने के लिए गया एंड फाउंड अ लिटिल बग वॉज देयर और देखा कि वहाँ एक छोटा बग था या छोटा कीड़ा था एंड ही वॉज रनिंग जस्ट एज फास्ट एज एनी लिटिल बग कुड रन और वो इतनी तेज़ भाग रहा था जितनी तेज़ एक छोटा कीड़ा भाग सकता था अनटिल ही स्टॉप्ड फॉर ब्रेथ एट लास्ट जब वो आखिरकार सांस लेने के लिए रुका ऑल ब्लैक एंड शाइनी इन द सन सूरज की रोशनी में बिल्कुल काला और चमकदार था एंड देन ही चिप्ड अ सॉन्ग टू मी फिर उसने मेरे लिए एक गाना गाया एंड गेव हिज विंग्स अ लिटिल टग और सख्ती से अपने परों को हिलाया एंड दैट्स द वे ही शोड दैट ही वॉज वेरी ग्लैड टू बी अ बग और इस तरह उसने ये जाहिर किया कि वो एक कीड़ा होने पर कितना खुश था ये पोएम लिखी है मर्जोरी बैरोज ने जो शख्स पोएम लिखता है उसे पोइट कहते हैं पोस्ट रीडिंग व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल ऑफ द पोएम इस सबक के उन्वान से या इस नज़म के उन्वान से आपको क्या समझ आता है दिस टाइटल टेल्स अस दैट दिस पोएम इज अबाउट अ लिटिल बग विच इज अ क्रिकेट डिड यू लाइक द पोएम एक्सप्लेन इट्स सेंट्रल आइडिया क्या आपको ये नज़म अच्छी लगी इसका सेंट्रल आइडिया यानी मरकजी ख्याल बताएं येस आई लाइक द पोएम जी हाँ मुझे ये नज़म अच्छी लगी सेंट्रल आइडिया इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट अ बग इस नज़म में शायर एक बग के बारे में एक कीड़े के बारे में बात करता है व्हेन ही गोज फॉर अ वॉक ही फाइंड्स अ लिटिल बग क्रिकेट जब वो वॉक के लिए जाता है तो उसे एक छोटा कीड़ा क्रिकेट नज़र आता है इट रन्स वेरी फास्ट ये बहुत तेज़ भागता है इट चिप्स ये चहचहाता है इट इज़ हैप्पी टू बी अ बग ये एक कीड़ा होने पर खुश है वाइल रीडिंग
आर बग्स हार्मफुल, क्या बग्स नुकसानदेह होते हैं? ऑल बग्स आर नॉट हार्मफुल, तमाम बग्स नुकसानदेह नहीं होते। पेज नंबर 4, ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स, इनिशियल एंड फाइनल साउंड्स ऑफ लेटर्स। यानी अब हमने लेटर्स के शुरू के साउंड्स, इब्तदाई आवाज़ें और आखिरी आवाज़ों को सीखना है। रीड अलाउड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को ऊंची पढ़ें, विद देयर इनिशियल एंड फाइनल साउंड्स, उनके इनिशियल और फाइनल साउंड्स के साथ। पहले इनिशियल साउंड्स हैं, र रेन, ब बग, ल लिटल। अब फाइनल साउंड्स पे स्ट्रेस करना है, ग्लैड, ब्लैक, चिरप। से एंड मैच द पिक्चर विद इट्स इनिशियल लेटर साउंड। अब इन पिक्चर्स को इनकी इब्तदाई आवाज़ के साथ मिलाना है। तो यहाँ के एल और डी लिखा है, डक किससे होता है, ड से, तो ड डक आ जाएगा, फा फैन। से एंड मैच द पिक्चर विद इट्स फाइनल लेटर साउंड। अब आखिरी आवाज़ जो होगी लेटर की, उससे मिलाना है। जैसे कप, कप की लास्ट साउंड क्या आ रही है, प आ रही है, तो पी से इसे मैच करेंगे। सन, न, एन से मैच कर देंगे। लर्निंग टू स्पीक, रीड अलाउड द साउंड्स ऑफ द गिवन लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। इन लेटर्स को हमने ऊंची आवाज़ से पढ़ना है उनके साउंड के साथ। जैसे एफ फा, एल ल, एच ह, जी ज, यू य, बी ब, जी ग, आर र, डब्ल्यू व, एम म, एफ फ। मेक अ फ्यू वर्ड्स यूजिंग द अबव गिवन साउंड्स। अब इन्हीं साउंड से हमने कुछ अल्फाज बनाने हैं। F फैन, L लेग, H हैट, Z ज़ीब्रा, Y अप, B बैग, G गन, R रैट, W वॉल, M मैट, F फन। पेज 5, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब दें। व्हाट डिड द लिटिल बग चिर्प फॉर द पोइट। द लिटिल बग चिर्प्ड अ सॉन्ग फॉर द पोइट। व्हाई डिड द पोइट गो फॉर अ वॉक। ही वेंट फॉर अ वॉक टू प्ले। रीड द गिवन डायग्राफ्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस। अब डायग्राफ्स की इनिशियल और फाइनल पोजिशन हमने समझनी है। डायग्राफ क्या होता है, रीड मी। अ डायग्राफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स। ये दो लेटर्स का एक कॉम्बिनेशन है दैट मेक्स अ सिंगल साउंड, जिनसे एक ही आवाज़ निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एस एच ई शी, श, एस और एच को मिलकर श की आवाज़ निकल रही है। टी एच से थ की आवाज़ निकल रही है, थिक बन गया। और डैश एस एच आया है तो श की आवाज़ निकल रही है। इनिशियल पोजिशन, च चिर्प, चेयर, श शाइन, शॉप, थ थ्री, दैट। फाइनल पोजिशन, च रिच, मच, श विश, पुश, थ ब्रेथ, क्लॉथ। सर्कल द वर्ड्स विद द डायग्राफ्स सी एच एस एच टी एच इन इनिशियल पोजिशन एंड टेक द वंस विद दीज डायग्राफ्स इन फाइनल पोजिशन। अब जिनकी इनिशियल पोजिशन पे आवाज़ आ रही है डायग्राफ्स की, उनको सर्कल कर देना है और फाइनल पोजीशन वालों को टिक करना है। चीज़, च की आवाज़ स्टार्ट में है तो ये सर्कल हो जाएगा। मच, टिक होगा क्योंकि च की आवाज़ एंड पर आ रही है, फाइनल पोजीशन पे है। शार्क, सर्कल करेंगे। ब्रश, टिक करेंगे। थिन, सर्कल कर देंगे। विद, टिक करेंगे। फाइंड मोर वर्ड्स विद द डायग्राफ्स च श थ। तो इससे हमने खुद से वर्ड्स बनाने हैं। अब चिर्प, शॉप, देयर। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। अब हमने एमसीक्यूज को करना है, सही ऑप्शन को फिल कर देना है। द पोएम द क्रिकेट इज रिटन बाय मार्जोरी बैरोज। यानी ये नज़म द क्रिकेट लिखी है मार्जोरी बैरोज ने। पेज 6, द पोइट फाइंड्स अ बग वाइल वॉकिंग। The little bug was glad to be a bug. Little bug gave a little tug to its wings. Language focus, vocabulary building. Read the given words with their meanings. दिए हुए अल्फाज को इनके मायने के साथ पढ़ें। Bug, an insect. एक कीड़ा है bug. Chirp,
A short, sharp sound made by some insect or bird. एक बारीक सी छोटी सी आवाज़ जो किसी इंसेक्ट की या परिंदे की होती है. Tug, to pull something hard or suddenly, किसी चीज़ को सख्ती से या अचानक से खींचना. Glad, happy, खुश होना. Breath, सांस लेना. Air taken into the lungs and sent out again, यानी फेफड़ों में हवा लेकर जाना और फिर दोबारा बाहर निकालना. Rhyming words, read the given rhyming words, दिए हुए हम आवाज़ अल्फाज को पढ़ें. Away, play, tug, bug. Read me, rhyming words have the same ending sounds, जो भी हम आवाज़ अल्फाज होते हैं जिनकी उनकी आखिरी वाली आवाज़ एक जैसी होती है. मैच द गिवन राइमिंग वर्ड्स, इन्हें अब मैच करना है. मी शी, फास्ट लास्ट, वेयर देयर. पेज 7, लुक एंड रीड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, देखें और जिस्म के हिस्सों के नाम पढ़ें. हैंड हाथ, एल्बो कोहनी, हेयर बाल, आई आंख, ईयर कान, टीथ दांत, नेक गर्दन, शोल्डर कंधा, फिंगर उंगली, नी घुटना, फुट पाँव, टोज पाँव की उंगलियाँ. रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, दिए हुए डायलॉग को पढ़ें यानी मुकालमे को पढ़ें और उसकी प्रैक्टिस करें. कासिम, अस्सलाम अलैकुम, हाउ आर यू, अस्सलाम अलैकुम, आप कैसे हैं. यासिर, वा अलैकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू. वा अलैकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं. कासिम, आई एम फाइन टू, दिस इज़ माई यंगर ब्रदर आयान, मैं भी ठीक हूँ, ये मेरा छोटा भाई आयान है. यासिर, हाउ आर यू आयान, आयान आप कैसे हैं. आयान, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ. यासिर, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा. आयान, नाइस टू मीट यू टू, थैंक यू, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, शुक्रिया. लर्निंग टू स्पेल, रीड द गिवन साइट वर्ड्स, दिए हुए साइट वर्ड्स को पढ़ें. F R O M, फ्रॉम, G डबल O D, गुड, A B O U T, अबाउट, R I D E, राइड, O V E R, ओवर, Y O U R, योर, A N Y, एनी, B L U E, ब्लू. पेज 8, राइट साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स. अब इन बॉक्सेस में हमने वर्ड्स को फिट करना है जो भी हमने साइट वर्ड्स पढ़े हैं. तो पहले आ जाएगा ब्लू, गुड, अबाउट, एनी. सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स इन ईच रो, हर रो में से सही स्पेलिंग को सर्कल करना है. ग्लैड के सही स्पेलिंग फर्स्ट नंबर पर हैं, जी एल ए डी, ग्लैड. चिर्प के सही स्पेलिंग सेकेंड नंबर पर हैं, सी एच आई आर पी, चिर्प. शाइनी के ठीक स्पेलिंग थर्ड नंबर पर हैं, एस एच आई एन वाई, शाइनी. ब्लैक के फर्स्ट नंबर पर हैं, बी एल ए सी के, ब्लैक. विंग सेकेंड नंबर पर है, डब्ल्यू आई एन जी, विंग. ग्रामर, रीड मी, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. एक इसम किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, बॉय, गार्डन, बुक, एट्सेट्रा. लड़का, बाग, किताब वगैरह. नाउन्स, नेमिंग वर्ड्स, मैच द ऑब्जेक्ट्स विद द नेमिंग वर्ड्स, चीज़ों को उनके नेमिंग वर्ड्स से मिलाएं. एस यू एन सन, सी एच आई एल डी चाइल्ड, बी आई आर डी बर्ड, टी आर डबल ई ट्री, बी ए डबल एल बॉल. पेज 9, थिंक ऑफ सम नेमिंग वर्ड्स, कुछ नेमिंग वर्ड्स के बारे में सोचें. राइट देम इन द गिवन कॉलम्स, और दिए हुए कॉलम्स में लिखें. पीपल, इसमें आप नाम लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे जायान, अरूब. प्लेस में, लाहौर, पाकिस्तान. एनिमल्स, कैट, डॉग, थिंग्स, टेबल, चेयर. राइट एनी फाइव नेमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो यूज देम इन सेंटेंसेस. पाँच नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन्स लिखने हैं और फिर उन्हें अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है. बॉय, आई एम अ गुड बॉय. टेबल, इट इज़ अ टेबल. कैट, आई हैव अ कैट. फैन, इट इज़ अ फैन. ग्लास, इट इज़ अ ग्लास. प्रोनाउंस, रीड मी, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो सकता है. व्हेन वी रिप्लेस द सब्जेक्ट विद द प्रोनाउन, जब हम सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन को लिख देते हैं, वी यूज़ दीज प्रोनाउंस, तो हम ये वाले प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हैं. आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे.
Read the given sentences and notice the use of pronouns in the subjective case. She is a good girl. वो एक अच्छी लड़की है. अब किसके बारे में बात हो रही है, लड़की के बारे में, उसके लिए क्या यूज़ होता है she. तो ये प्रोनाउन भी है यहाँ, लेकिन सब्जेक्टिव केस है उसका. ही इज़ अ नॉटी बॉय. दे आर प्लेइंग. वी आर हैप्पी. इट इज़ अ क्यूट कैट. आई लाइक टू ईट वेजिटेबल्स. यू आर ग्रेट. राइट अ सेंटेंस विद ईच गिवन प्रोनाउन इन योर नोटबुक. अब ये सब जो यहाँ पर प्रोनाउंस दिए हुए हैं, इनके सेंटेंसेस बनाने हैं. शी से सेंटेंस बना लेंगे, शी इज़ अ गुड गर्ल. ही से, ही इज़ अ गुड बॉय. दे आर प्लेइंग. वी आर हैप्पी. इट इज़ अ कैट. आई एम अ गुड गर्ल. यू आर ग्रेट. राइटिंग. लर्निंग टू राइट. रीड द गिवन टू सिलेबल वर्ड्स. दिए हुए दो सिलेबल्स वाले वर्ड्स को पढ़ें. दो सिलेबल्स का मतलब है कि एक वर्ड के दो पार्ट्स हैं. जैसे लिटल में लिट और टल होगा, LIT लिट, TLE टल. परफेक्ट मन ई, MON होगा और EY होगा. लव ली, इम्प्रूव. पेज 10. लिस्ट एट लीस्ट 5 मोर टू सिलेबल वर्ड्स. 5 और टू सिलेबल वर्ड्स बनाने हैं खुद से. प्ले इंग, हैंड डल, कंट्री, पेंसिल, बुकलेट. क्रिएटिव राइटिंग. राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह. यूज़ द गिवन वर्ड बैंक. ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह यानी अल्लाह की नेमतों के बारे में 5 जुमले लिखने हैं और इन वर्ड्स को हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस विद मैनी थिंग्स. अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी चीज़ों से नवाजा है. अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस विद 4 सीजन्स. अल्लाह ने हमें 4 मौसमों से नवाजा है. अल्लाह हैज़ क्रिएटेड ब्यूटिफुल बर्ड्स. अल्लाह ने खूबसूरत परिंदे बनाए हैं. अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट. अल्लाह सबसे बड़ा है. अल्लाह लव्स ऑल ऑफ हिज क्रीचर्स. अल्लाह अपनी तमाम मखलूक़ात से प्यार करता है.